का पहला ट्वीट। प्रशांत बताइए, आज ऑप्शंस में आपको क्या इंप्रेस कर रहा है? आपके पास ये शुक्रवार अभी दिसंबर के ऑप्शंस को खेलने के लिए मौका है, पर ये आपकी चॉइस है, यू कैन नाउ स्लिप टू जनवरी एज वेल। बताइए क्या 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 पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, ओवरऑल मुझे ईयू बैंक एक काफी अच्छा ब्रेकआउट सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है, बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है स्टॉक में। तो इसकी जो जनवरी महीने की 800 की कॉल ऑप्शन है, 800 स्ट्राइक प्राइस करीबन 29-30 पे चल रही है। यहाँ पे 20 का स्टॉप लॉस रखेंगे 20, और जो टारगेट रखेंगे वो करीबन 45 45 से लेके 50 का रखेंगे। ओके, पहला ट्रेड हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको याद होगा सुबह मैंने स्टॉक का आज सीएनबीसी आवाज के हॉट स्टॉक्स में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। सबसे क्लियर चार्ट अगर बैंकिंग में आफ्टर आई थिंक एचडीएफसी की कल के शोर शराबे के बाद था, तो वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छी कॉल थी यहाँ पर। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं, वो आएगा राजेश सतपुते जी के सौजन्य से। राजेश जी, आज के एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी देखिए, फार्मा पे ही नजर है, इसमें तो थर्ड पिक रहेगा, दैट विल बी सिप्ला। सिप्ला का सपोर्ट अच्छा है, मुझे लगता है ये 1220 का सपोर्ट बढ़िया रहेगा, 1235 पे ये फ्यूचर में चल रहा है। इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1270 1280, तो सिप्ला इज अ बाय। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1215 का। ओके, तो 1270 1280 के लेवल्स जा सकता है सिप्ला, तेजी वाला ट्रेड है ये। चार्ट का चमत्कार चंदन जी बताइए। बिल्कुल, चार्ट के चमत्कार में देखें तो मैं नॉन एफएनओ काउंटर में एक स्टॉक सेलेक्ट करना चाहूँगा, वो रहेगा एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया का सेटअप काफ़ी अच्छा है, और जो 4-5 दिन का हर्डल है वो निकाल के नया मूव बन रहा है। वीकली चार्ट में लगातार देखें तो 8 वीक से हाई टॉप्स हाई बॉटम के सिक्वेंस बन रहे हैं। 215-16 के आसपास खरीदारी की सलाह है, 210 का सपोर्ट है, स्टॉक आपको 228-230 तक के टारगेट होता हुआ नजर आएगा। एनएलसी इंडिया, ये वो ट्रेड जो इस समय आप लेकर चलेंगे, ये है चार्ट का चमत्कार। चलिए मिड कैप फंडा के लिए गौरांग हमारे साथ जुड़ गए। गौरांग, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। धन्यवाद हर्षदी जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, सीएनबीसी आवास के दर्शकों को, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आपकी पूरी टीम बैक ऑफिस को। तो मिड कैप फंडा में विकल्प के रूप में हमने ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई, ओईएम सेगमेंट से जुड़ी हुई एक कंपनी जो के ज्यादातर कास्टिंग्स और फोर्जिंग में कामकाज करती है, और हाल ही में एक ऊपर के तरफ के पड़ाव देखने के बाद अच्छा खासा करेक्शन भी देखा है। नाम है सीआईई ऑटोमोटिव लिमिटेड। कल इसका स्तर करीबन 465 के आसपास मेरे ख्याल से सीआई ऑटोमोटिव का बंद आया था। आज भी कुछ अंदेशे हैं, उसी तरफ कामकाज कर रहा है 465 के आसपास। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जिस प्रकार से नए लॉन्चेस आने वाले वर्ष में 2024 में और बाकी अन्य वर्षों में होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए सीआई ऑटोमोटिव का जो कामकाज है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा उन सब कंपनियों के लिए। तो खरीदारी की राय है सीआई ऑटोमोटिव पर, और लक्ष्य कर अगर आप हमें पूछते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर तो 600 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो करीबन 25-30% का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है। और ज्यादा उतावलापन करके एक साथ निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ दीजिए। डिप्स पर खरीदारी करना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी सीआई ऑटोमोटिव में 600 के टारगेट के लिए, और टाइम दीजिए इस ट्रेड को। ये है गौरांग की राय। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ, फिर कुछ और आइडियाज़ पर आएंगे। सस्ता ऑप्शन जो प्रशांत ने दिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 800 का कॉल लेकर चलें, आपका पहला टारगेट 45 का रहेगा, फिर 50 तक भी जा सकता है ये ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार सिप्ला है, 1280 के टारगेट्स के लिए तेजी की पोजीशन राजेश सातपुते ने सुझाई है, 1215 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर आया हमारा अगला ट्रेड चार्ट का चमत्कार, चंदन ने कहा एनएलसी इंडिया नेवली लिग्नाइट पर आप ध्यान दीजिए, 228-230 के टारगेट के लिए मौका दिख रहा है, 210 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आज स्टॉक वैसे 3% भाग चुका है। और अब गौरांग कह रहे हैं कि सीआईई ऑटोमोटिव, जिसे हम पहले महिंद्रा सीआईई के नाम से जानते थे, 600 के लिए एक अच्छा मौका दे रहा है, तेजी की पोजीशंस यहां पर भी होनी चाहिए। तो ये सभी स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं जोरदार एक्शन, अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम है। एक ट्रेड कोल इंडिया का स्क्रीन पर रखिएगा, कोल इंडिया में करीब 2-2.5% तक के गेंस बने हैं,
प्रशांत, ये आपने इनफैक्ट दिया तो क्रिसमस तोहफा, लेकिन आज इंट्राडे के लिए कुछ लेवल है जो जहन में रखना चाहिए क्योंकि अच्छी तेजी बन रही है। जी हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को थोड़ा पोजिशनल ही रखना चाहिए। ये कंफर्टेबली 390-400 जो टारगेट्स मैंने मेंशन किए थे वहां तक जा सकता है, और कोई इंट्राडे करना चाहे तो मुझे लग रहा है 358-359 के जस्ट इर्द गिर्द स्टॉप लॉस रख के आप 368-370 के टारगेट के लिए ट्राई कर सकते। ओके, चलिए अभी काम करते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि इस रेंज में अगर इंडेक्स थोड़ा सा पड़ गया है तो निफ्टी फार्मा की तरफ स्विंग जनरेट हो, हम उधर की तरफ जाएं, ये अच्छा हो सकता है। आपकी स्क्रीन पे 16403, याद रखिएगा निफ्टी फार्मा इस वक्त अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा ल्यूपिन, मीनवाइल नज़र निफ्टी पे भी रखिएगा, 310 पे नज़र रखिएगा। ल्यूपिन करीब करीब 1272 पे ट्रेड करता हुआ, इसकी कॉल पिक कीजिएगा 1270 की, 1270 की कॉल रखिए। आशीष बहती जी, एक फीलिंग आ रही है कि शायद ये अभी इस रेंज से एग्जिट करने को तैयार है। कल ओरो ने एग्जिट किया था, ग्लेनमार्क ने एग्जिट किया, आज क्या इसकी बारी है और 1270 की कॉल पे आपका व्यू क्या होगा? जी वीरेन जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ, जिस हिसाब से फार्मा में ओवरऑल बाइंग देखने मिल रही है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि इसमें स्ट्रक्चरली एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 1270 की जो कॉल 23 रुपए के करीब चल रही है, इनफैक्ट 23.80 चल रही है अभी, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 16 रुपए के कैसे मेंटेन करे, हमें लगता है इसमें 32 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और ल्यूपिन अगर मैं पोजीशन में बोलूं तो ये वेल पेज है 1300 के ऊपर जाने के लिए, तो इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना और 1260 का कैसे मेंटेन करे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।